कि आज राजनीति के दौर इस तरीके से हो गए हैं जिस दौर में शर्म लिहाज और हया जैसी चीजें भी नहीं बची है। जिस धरना का मंच उनसे यह पूछना चाहता है कि 123 लोगों की मौत का जश्न कितनी मोटी चमड़ी से आज आप मना रहे हो, आज जो पूरे देश में आप जश्न मना रहे हो, क्या उस 123 लोगों की मौत का जश्न मना रहे हो जिन 123 लोगों की जान गई? कोई भी बड़ा उद्योगपति या पूंजीपति नहीं था, कोई भी इनकम टैक्स आयकर बचाने वाले लोग नहीं थे, वो तमाम वैसे लोग थे जिनकी अपनी जरूरतों के लिए उन्हें बैंकों की लाइन में लगना था। मरने वाले वैसे ही लोग थे जो बैंक के कर्मचारी थे और 5-5 दिन घर नहीं जा सके थे, मानसिक तनाव से तमाम चीजों से उनकी जान गई। क्या उन तमाम 123 लोगों की जान जाने की खुशी में आज आप जश्न मना रहे हो? मैं तो सिर्फ यही कहता हूं इस देश के लोकतंत्र की आत्मा में बड़ी ताकत है और वो आत्मा मरी नहीं है। 71 का चुनाव जब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से हार सकती है, राजनारायण से हार सकती है, तो मोदी जी आप भी खुद को अजय मत समझिए। देश की जनता अपने आंसुओं का हिसाब आपसे लेगी और हम यह बताने आए हैं कि झारखंड की जनता ने तो कमोबेश इस बात का निर्णय कर लिया है और आने वाले समय में 2019 में झारखंड की जनता आपको यहाँ लोकसभा और विधानसभा दोनों से वैसी पराजय देगी कि जिसका दर्द बहुत दिनों तक आपको दिखेगा। तो मैं इस धरना कार्यक्रम में आया हूँ।